YouTube फैमिली, और मैं आपको लेकर आया हूँ व्हील कवर, जो कि मैंने बताया था आपको कि मैं जिस दिन गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और हम इसके लिए क्या क्या सावधानी और क्या क्या रूल्स अपनाएंगे। ये मैंने इस बॉक्स इसकी पहले ही लगा ली थी, जो मैं आपको दिखा दूँ। इसके अंदर ये लुक आ रहा है, जो कि वो पिछली वीडियो में आपने अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया होगा, और ये इसका काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ऑसम लुक आ रहा है, जो आपकी गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस करेगा। और बाकी मैंने तीन व्हील कवर पे ये स्पोक्स लगा लिए हैं पीछे के, और एक स्पोक्स जो कि रह गया है वो मैं अभी आपके सामने लगाऊंगा, और आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि क्या लुक दे रहा है आपको। और ये वाली मैंने वायर जो आपको बताई थी, तो ये वाली वायर का जो मैंने बताया था पोर्शन, वो लगा लिया, और ये वाली सिर्फ एक रह गई और बाकी तीन रेडी हैं। और ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा कि इसमें हमें किस तरीके से लगानी है ये वाली इसकी रिम, और ये इसका लुक है, और मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसके कॉर्नर से कॉर्नर लगाने हैं आपने, और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें जो चारों तरफ से बंद है तो एक तरफ कटा हुआ होगा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला आपका जहाँ से एयर भरते हैं टायर के अंदर वहाँ पर रहेगा, और इसमें रिम के अंदर भी कुछ इस तरीके से कटा हुआ झुकाव होता है, और वो आपको इस जो कटा हुआ पोर्शन है इसके यहाँ पे रखना है, और थोड़ा सा प्रेशर के साथ में आपको इसमें डालना है। और मैं आपको थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। और ये कैमरा मैं अपना पहले सेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगाना है इजी तरीके से, क्योंकि आप भी सावधानी बरत पाएँ इसलिए। तो आपको ये अपना साइड टू साइड डालना है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, एक हाथ से मैं डाल रहा हूँ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, इस वजह से मेरे को डालने में दिक्कत हो रही है। और बाकी मैं कैमरा इसे नीचे रखता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे लगा पाएंगे। और एक हाथ से लगाना तो इम्पॉसिबल हो रहा है, और मैं आपको ये कैमरा सही से सेट करके आपको नीचे रख के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लगाना है, जो कि आप भी पूरी तरीके से जान पाएँ कि ये इस तरीके से इंस्टॉल होगा। क्योंकि तीन तो मैंने रेडी करके लेकर दिए थे, इसलिए आप सोचेंगे सब आपने रेडी कर लिया। और जैसे मैं लगा रहा हूँ ये स्पोक्स इसके ऊपर लगाने, और ये थोड़ा टाइट आएगा एक पोर्शन, इसे थोड़ा सा प्रेशर के साथ में आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। और ये कटे हुए पोर्शन की तरफ आप लगा लीजिए, ये वाला ध्यान जरूर रखना है आपको कि ये कटा हुआ पोर्शन आपके एयर जो नोजल होगा वहाँ पर आएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल किस तरीके से होगा अभी, और जब तक के लिए इसका फाइनल लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा और ऑसम लुक दिखा रहा है। और मैं आपको ले चलता हूँ, ये आ गए हम गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए हम पहले बता दें कि ये जो टायर है ये 13 इंचेस का है, जो कि मैंने क्लीन वगैरह कर लिया है, और मैं इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। कि आपको मैंने बताया तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो हमारा एयर नोज़ल की तरफ रहेगा, ध्यान दें कि एयर नोज़ल के पास में मैं लगा रहा हूँ, और एक हाथ से मैं लगाऊंगा। बाकी थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जल्दीबाजी ना करें वरना इसका अगर नोक टूट गई ना तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर देंगे चारों तरफ से तो ये इजीली तरीके से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं पैरों से प्रेशर करता हूँ करके, और यहाँ से प्रेशर दे रहा हूँ, और ये आपको देखिए ये लगने वाला है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के चारों तरफ से प्रेशर देंगे तभी ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका पूरा प्रॉपर। और ये आप देखिए हल्का सा नीचे की तरफ से रह गया, और इसका आप फाइनल लुक देख लीजिए कि किस तरीके का लुक दे रहा है आपके टायर में। ये काफ़ी अच्छा और ऑसम और डिसेंट लुक दे रहा है, जो कि मैं इस एक में मैंने इंस्टॉल कर लिया, और बाकी मैं सभी में इंस्टॉल कर लेता हूँ धीरे धीरे करके।
बाकी इसके लिए आपको टाई बेल्ट जो आता है केबल टाई, वो ज़रूर लगानी पड़ेगी, वरना ये आपका चलती गाड़ी पे निकल भी जाते हैं, क्योंकि ये विदाउट बोल्ट वाले हैं ना इसलिए। और बाकी ये मैंने सेकंड टायर पे भी इंस्टॉल कर लिया है, और बाकी मैं आपको दूसरे टायर पे भी ले चलता हूँ, इस पर भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बाकी मैंने सभी टायरों पर इंस्टॉल कर लिया है, और इसका आप लुक देख सकते हैं दूर से क्या लुक आ रहा है, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ये मेरे को बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिले हैं, और ये मेरे को सिर्फ ओनली 400 रुपीज़ के मिले हैं। और यदि आपको इस जो डिज़ाइन है इसकी नीड है जितने भी इंचेस में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको एक ही डिज़ाइन में कितने इंचेस में चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और बाकी आप फाइनल लुक देख लीजिए कि कितना अच्छा और प्यारा लुक आ रहा है, और जब गाड़ी चलेगी तो आप पता है बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।